मागा सर के आयोग ने ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार को 435 करोड़ रुपए की मांग की है। अगर अगले 3 महीने में डाटा एकत्रित करना है तो राज्य सरकार को मागा स्वर्गीय आयोग को 435 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए। ऐसी मांग भाजपा के प्रदेश सचिव ने चंद्रशेखर बावनकुए ने की। इस दौरान बावनकुए ने कहा कि अगर राज्य सरकार तत्काल पैसा मुहैया नहीं कराती है तो सरकार में शुक्राचार्य कौन है उनके चेहरे सामने आएंगे। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुए ने ओबीसी आरक्षण पर आक्रामक रुख अपनाया। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि शिवसेना और राष्ट्रवादी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालना चाहिए। ऐसी मांग बावनकुए ने की। बावनकुए ने यह भी मांग की कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार ही हो। स्थानीय निकायों में अतिरिक्त आरक्षण को रद्द करने के साथ ओबीसी समुदाय में आक्रामक रुख अपनाया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के बाद पूरा महाराष्ट्र आंदोलन भी हुआ। भाजपा का कहना है कि ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को हटाना ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। राज्य सरकार हमेशा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रही है। बावनकुए ने कहा कि यह सरकार ओबीसी का गला घोटने के लिए काम कर रही है। या करता राज्य मागास आयोगाने 28 जुलै 2021 महाराष्ट्र शासनाला 435 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे। मी परवा विजय वडेट्टीवार मंत्री बाळासाहेब थोरात काँग्रेसचे नेते यांना स्वतः भेटलो आणि त्यांनाही मी विनंती केली। आज माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनाही विनंती केली आहे, त्यांना मी निवेदन पाठवलं आहे। मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याकरता जे मनुष्यबळ मागितलेलं आहे त्याचे हे जे पत्र आहे शासनाला विनंती आहे 7 दिवसाच्या आतमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने मागितलेलं मनुष्यबळ आणि 435 कोटी रुपये 7 दिवसाच्या आतमध्ये उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून डिसेंबरच्या आत ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे तयार होईल आणि जानेवारीमध्ये ओबीसीला आरक्षण मिळू शकतं, म्हणजे 2022च्या संपूर्ण निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाने होतील। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ओबीसी डेटा संकलित करना चाहिए। ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। डेटा निर्माण में 3 महीने से अधिक समय नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नहीं रोका, सिर्फ डेटा बनाने का निर्देश दिया। चंद्रशेखर बावनकुए ने यह भी आरोप लगाया कि ओबीसियों के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है, क्योंकि वे ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।